हे hey गाइस, अभी हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं एंड रूम हमने खाली कर दिया है क्योंकि हम लोग आज स्टे करने वाले हैं मुक्तिनाथ में। एंड अभी हम लोग मुस्तांग मुक्तिनाथ घूमने जा रहे हैं। परमिट हम लोगों का बन चुका है। परमिट के लिए लगता है नेपाली 1500, तो हम लोगों ने परमिट रेडी कर लिया। परमिट कौन सा मसा? तो परमिट आपको चाहिए क्योंकि वी आर फ्रॉम इंडिया, आई लव माई इंडिया, तो हमें परमिट की जरूरत होती है। तो परमिट हम लोगों ने ले लिया है एंड सामान बाहर रख दिया है क्योंकि वापस हमें फिर से यहीं पे आना होगा। ट्रिप कुछ इस तरह है, आज हम लोग मुस्तांग जाएंगे एंड कल सुबह मुक्तिनाथ के लिए दर्शन करेंगे। तो आज हम लोग का स्टे होगा मुस्तांग में एंड मार्फा, जोमसोम, ये सब घुमाते घुमाते लेके जाएंगे। स्पॉट जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो घुमाते घुमाते लेके जाएंगे। सो हमारी गाड़ी रेडी है, तो लेट्स गो। सो अभी हम लोग ऑन द वे टू मंदिर है क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो मंदिर का है। एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे अगर आप रिजर्व में जा रहे हो तो अगर आप 5-6 मेंबर का ग्रुप बना के जाओगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है। एंड ये गाड़ी में 7 लोग आ सकते हैं, 7 से 8 लोग। 8 लोग थोड़ा अनकंसिस्टेंट होगा, 7 लोग आराम से आ सकते हो। एंड 1 पर पर्सन आपको 5000 नेपाली रुपीस देना है जोमसोम तक, फिर जोमसोम से आपको 500 मंदिर तक देना है। तो इट्स बेटर कि आप 5-6 लोग आओ एंड अपना खुद का गाड़ी करो, वो सबसे बेटर रहता है। एंड फिर आप कहीं पे भी रुक सकते हो किसी भी पॉइंट पे, बट वेयर आप शेयरिंग में जाओगे तो आप नहीं रुक पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप 5 से 6 लोगों का ग्रुप बना के आओ, आपको सस्ता भी पड़ेगा और रीजनेबल रेट में भी आप घूम पाओगे मंदिर तक विथ ऑल द पॉइंट्स। जैसे कि हमारा अभी फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है माता का मंदिर, तो उसके बाद हम लोग लाइक पॉइंट वाइज घूमते घूमते जाएंगे एंड उसके बाद मंदिर दर्शन होगा। तो रोड देख लो भाई साहब, इतना ऑफ स्कर्ट है, देख लो। ये तो स्टार्टिंग भी नहीं है अभी, फिर भी ये तो स्टार्टिंग भी नहीं है। और देखो एडवेंचरस रहने वाला है ये राइड। और ये देखो, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट मंदिर, कालिका भगवती मंदिर। ये माता का मंदिर है शायद, ये देखो। चलो चलो जल्दी, सब सब एकदम ट्रेडिशनल पहन के आए। और हम लोग देखो कैसा पहन के आए, क्योंकि हमें पता है कि मुस्तांग में थोड़ी ठंड है, तो हम लोग घर से ऐसे रेडी होके आए। तो चलो चलो फर्स्ट पॉइंट। प्लान में थोड़ा चेंज है, हम लोग पहले मंदिर जाएंगे एंड फिर उसके बाद यहाँ से सीधा मुक्तिनाथ, क्योंकि भैया ने बोला है कि मुक्तिनाथ में टेम्परेचर थोड़ा ठंड है, इसीलिए हमें भाई धीरे चलो, तो इसीलिए हम लोग पहले मुक्तिनाथ जाएंगे एंड कल जब वापस आएंगे तो हम लोग सारा पॉइंट कवर करेंगे, मार्फा, जोमसोम और बस उतना ही। तो अभी हम लोग सीधा पहुंचेंगे मुक्तिनाथ मंदिर दर्शन के बाद। बहना क्या है तेरा कहना, पता नहीं कहाँ आ गए। चेक पोस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे चेकिंग होती है एंड भैया हमारा परमिट जो है, ओए रुक जा, तो भैया जो है हमारा परमिट लेके गए। तो पता नहीं अभी हम लोग कौन से जगह पे है, बट ये चेकिंग पॉइंट है पुलिस का, लिखा हुआ है यहाँ पे पुलिस चेक पॉइंट एंड भैया हमारा परमिट लेके गए हुए। हम लोग तो वैसे भी विदाउट परमिट जा सकते हैं क्योंकि हम लोग नेपाली है, बट फिर भी रिक्स लेने की जरूरत नहीं है हमें। अब पता नहीं भैया तो आ रहे क्या बोलेंगे आके गाड़ी मलन। तो ये रहा हमारा परमिट, ये लंबा था, उन लोगों ने काट के रसीद दिया, सिर्फ नीचे का पेपर उन लोगों ने रख लिया। हम तीनों का है, इसके बाद रंजिता के बाद लेनो पकड़ी नो। सो वी आर बैक। यहाँ पे चेकिंग पॉइंट। अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके, ये रही रंजिता, ये रही माँ एंड यहाँ से ये देखो हिमालय दिखता है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। क्या चीज है ना, अरे देखते सनी, बिकॉज फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है, कहीं तो फोकस करके दिखाऊं जरा, दिख रहा है। Thank you.
ये देखो ये वाला रास्ता जो है वो अपर मुस्तांग की तरफ जाता है, वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे लोअर मुस्तांग जहाँ पे मुक्तिनाथ है। भाई साहब रास्ता कसरी आउने रे दादा, आँखा चिम गरेर बाटो चाहिँ फाइनली अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो ये रहा व्यू एंड पीछे मेरे देखो, रुको मैं आगे से व्यू दिखाती हूँ। एंड हम लोग दोपहर को चढ़ाई कर रहे थे एज मैंने पहले ही बताया, ये देखो भाई साहब एज मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जो है वो पहले मुक्तिनाथ दर्शन करेंगे और कल चौमसम वगैरह जो भी है मार्फा वार्फा घूम लेंगे। दर्शन के लिए आए तो पहले दर्शन ही कर लेंगे फिर बाकी की जगह घूमेंगे। ऐसा है यहाँ से हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, हम लोग सोच रहे हैं कि माँ के लिए एक घोड़ा कर लेते क्योंकि उनको दिक्कत आती है एंड सांस भी फूल जाती है। रंजिता लुक एट हियर, ये देखो हमें यहाँ से इतना ऊपर जाना है, ये देखो भाई साहब हमारे माँ जो है उनको मिल गया है घोड़ा क्योंकि रास्ता बहुत डिफिकल्ट है एंड इट्स बेटर, ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है तो इट्स बेटर कि माँ को घोड़े पे बिठा दे। तो ये घोड़े वाले भैया जो है वो 400 लेते तो शायद घोड़ा थक गया है। वैसे तो बोला जाता है कि नहीं लेना चाहिए बट अभी क्या कर सकते हैं, माँ तो नहीं चढ़ पा रही है। एक्चुअली हमने ट्राई किया था क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट आगे से है तो जब माँ यहाँ से यहाँ तक आई तो उनका ज़्यादा हो गया था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इट्स बेटर कि इसी में जाए। तो आपको चढ़ाई जानी पड़ती है, पता नहीं कितनी सीढ़ी है, आने के टाइम पे हम लोग काउंट करके आएंगे। और माँ से मुझे घोड़े को देखे जा रही था और उनका ये मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि उनको दोनों हाथों से पकड़ना था एंड शायद से मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, स्टैमिना भी घट रहा है। रंजिता कुछ बोलना चाहती है, क्या हुआ? ये पानी इतना ठंडा है, ये पानी फ्रिज में भी नहीं था, बाहर ही था, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा है और मुझे वैसे भी बुखार हो चुका है। गाइस लुक हियर, अब मैं थोड़ा अरे बैटर से ना डॉन जैसा दिख रही हूँ। फाइनली वी आर हियर इन द मुक्तिनाथ। तो अभी हम लोग चेंज करने वाले कपड़े एंड फिर 108 धारा में नहाने वाले, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे वापस से। आस्ते 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 हम लोग नहा के रेडी हो चुके हैं मंदिर के लिए। 108 धारा होता है यहाँ पे, 108 धारा हम लोग का कंप्लीट हो गया है, एक्सीडेंट भी हो गया लेकिन अब वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मम्मी हो गई, माँ हो गई है रेडी और रंजिता भी हो रही है रेडी, तो जल्दी चलो ठंड बहुत ज्यादा है, सेट हो रहा है। एंड ये देखो माँ की एनर्जी, आमा इधर हेर दिनु लु, दर्शन के बाद एनर्जी देखो, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा है अभी, चलो विद द बैग्स चल रही है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड होता है क्योंकि भाई साहब ठंड इतनी ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा है बट ठंड है, हवा भी चल रही है। ए ओ मिस सेल्फी क्वीन, से बाय टू द ब्लॉग। अच्छी वाई